यूके में दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन आम लोगों को लगाने का काम शुरू किया गया है। इस वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद ब्रिटेन के दो स्वास्थ्य कर्मियों ने एलर्जी की शिकायत की। उनका ब्लड प्रेशर गिरने लगा, स्किन पर रैशेस होने लगे, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। इसे मेडिकल भाषा में एनाफाइलोक्टॉइड प्रतिक्रिया कहा जाता है, जो लोगों को एलर्जी के समय होती है। दोनों स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज किया गया। खबरों के मुताबिक दोनों की हालत अब स्टेबल है। इस बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि दोनों स्वास्थ्य कर्मी पहले से एलर्जी के मरीज रहे हैं। इमरजेंसी के लिए उनके पास हमेशा एड्रेनलिन के इंजेक्शन रखते थे। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन का ऐसा रिएक्शन ट्रायल के समय सामने नहीं आया था। यूके के मेडिसिन एवं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी की प्रमुख डॉक्टर जून रैन ने इस बारे में यूके की संसदीय कमेटी को बताया। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन के ट्रायल के दौरान बेल पाल्सी के मामले सामने आए हैं। बेल पाल्सी यानी चेहरे पर लकवा मार जाना। इससे चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियां झूल जाती हैं। यूएस में हुए ट्रायल में 21,720 लोगों ने भाग लिया। इनमें से वैक्सीन लेने वाले 4 लोगों में इस बेल्स पाल्सी के केस देखे गए थे। इसे देखते हुए यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बयान भी जारी किया, कहा कि ट्रायल में 4 लोगों में ऐसा पाया जाना ये कहीं से नहीं जताता कि सभी लोगों को वैक्सीन दिए जाने पर भी ऐसा हो सकता है। अमेरिका में बनी फाइजर की वैक्सीन को यूके में सबसे पहले लोगों के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यूके की हेल्थ रेगुलेटरी ने बेल्स पाल्सी जैसे रिएक्शन के बाबत यूएस एफडीए के बयान का समर्थन किया। उसने भी कहा कि 4 केसों का मतलब ये नहीं कि पूरी आबादी को वैक्सीन दिए जाने पर ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी सारे साइड इफेक्ट्स और उससे जुड़ी बातों की स्टडी की जाए।